नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एज यू ऑल नो दैट होम्योपैथी का वर्क ऑफ स्फीयर केवल फिजिकल सिम्टम्स तक ही सीमित नहीं है। यदि परफेक्टली मैच होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई हो तो वह पेशेंट के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्चुअली होम्योपैथी में मेडिसिन को कुछ हद तक क्लासीफाई किया गया है, जैसे कोई मेडिसिन एक्यूट केस में अच्छा काम करती है, कोई क्रोनिक केस में अच्छा काम करती है और कुछ मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल भी दी जाती हैं। इन्हीं सब मेडिसिन में हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। यह मेडिसिन पेशेंट के साथ साथ स्टूडेंट के स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में और उसकी पूरी ड्रग पिक्चर को आज हम जानेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हम यह समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन का फिजिकल, मेंटल, बायोलॉजिकल सेटअप क्या है, उसका इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है, उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है और उससे उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या निकल के आया है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लाइकोपोडियम में पेशेंट का कार्बोनाइट्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मीन्स पेशेंट की बॉडी में कार्बन की और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसको GIT इश्यूज मीन्स आहार नाल से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। मेनली उसको लिवर की से रिलेटेड परेशानियाँ ज़्यादा देखी गई हैं। यदि अब हम यहाँ पे इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पर्सन अपने आप को बहुत फिजिकली वीक महसूस करता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली बहुत कीन और शार्प होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, इसलिए उसकी थॉट्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आती हैं। इसमें पेशेंट को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा गया है, मीन्स पेशेंट में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। पेशेंट को पब्लिक में बोलने में या स्टेज पे बोलने में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उसको पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे जाता है और बोलना शुरू करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपनी स्पीच पूरी करता है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसे अकेले रहना पसंद नहीं है और इसमें पेशेंट को बहुत मेलनकोलिक और डिप्रेस फील होता है और सुबह उठते से उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होती है। इसमें पेशेंट का नेचर बहुत ओवर थिंकिंग का होता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, इसके कारण वो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगता है। इसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओल्ड एज। इसके कारण उसके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, उसके बाल ज़्यादा जल्दी झड़ने लगते हैं, उसकी स्किन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका कार्बोनाइट्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए इसको डाइजेशन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसे गेज बहुत ज़्यादा बनती है दोस्तों, उसका लोअर एब्डोमेन बहुत टाइट फील होगा, उसको ब्लॉटिंग फील होगी, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन फील होगा, उसको उसके कारण पेट में दर्द भी होने लगता है। दोस्तों, उसको भूख तो अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ा सा खाना खाता है उसको लगता है कि पेट उसका फुल हो गया है। और इसमें पेशेंट का लिवर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसलिए पेशेंट को कभी कभी राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन भी होना शुरू हो जाता है। इसमें पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट भी होती है, मींस पेशेंट को यूरिन रुक रुक के आता है और रीनल स्टोन के केस में यदि पथरी हो गई है किडनी में तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और बच्चों में एक ही बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम ये देखा गया है कि यदि बच्चे बाथरूम करने में, यूरिन पास करने में रोते हैं तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। इसमें पेशेंट का प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, उसके कारण उसको यूरिन में कंप्लेन आने लगती है। लाइकोपोडियम मेडिसिन को यदि समराइज किया जाए तो दोस्तों, इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, बहुत थॉटफुल होता है, ओवरथिंकिंग की उसकी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण पेशेंट को प्री मैच्योर ओल्ड एज हो जाती है, मतलब वो जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसके बाल कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं, उसके आँखों के आगे डार्क ये काले घेरे आ जाते हैं। पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कीन होता है, लेकिन वो फिजिकली अपने आप को बहुत वीक महसूस करता है, उसका लिवर बहुत सेंसिटिव होता है, उसको डाइजेशन के इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। पेशेंट की सारी तकलीफ इवनिंग में बढ़ जाती है और पेशेंट को सारी तकलीफ मेनली राइट साइड पे ही होती है। उसको यदि डाइजेशन का इशू है तो उसको गर्म ड्रिंक लेने से, गर्म पानी पीने से आराम मिलता है और मोशन से भी उसको आराम मिलता है। दोस्तों, आज हमने लाइकोपोडियम के बारे में बात की, हमने जाना कि यह हमारे शरीर के किस हिस्से पे कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।